सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने चाहूंगी कि किस तरीके से हम अपनी किचन कैबिनेट्स को साफ कर सकते हैं। ये मैं आपको एक कैबिनेट दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम कैबिनेट को साफ कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी मेस हो चुका है एंड अजीब तरीके से जो कंटेनर्स है वो रखे गए हैं और कैबिनेट भी जो हमारी है वो थोड़ी गंदी हो रही है। अब कैबिनेट को किस तरीके से साफ करना है, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से आप वीकली कैबिनेट को भी साफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले रैक्स को खाली करना शुरू करती हूँ। जो कैबिनेट है उसके जो दोनों रैक्स हैं उसको खाली करना शुरू करती हूँ। अगर आपके कंटेनर्स काफी ज्यादा गंदे हैं तो इनको किस तरीके से क्लीन किया जाता है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट अगर आपके जैसे कंटेनर्स हल्के गंदे हैं और आप उनको वीकली साफ करते रहते हैं तो फिर आप इनको हल्के गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसको खाली कर लेना। तो मैं सबसे पहले खाली करती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैबिनेट जो है वो पूरी कम्प्लीटली खाली कर ली है। अब आप ये देखेंगे मैंने इस कैबिनेट में इस तरीके की प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है। इस प्लास्टिक शीट से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है, हमारी जो कैबिनेट है वो बहुत ज्यादा चिपचिपी और गंदी नहीं होती। आप ये देख सकते हैं कि बहुत हल्की गंदी है और ये प्लास्टिक शीट काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो रैक्स है कैबिनेट की उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी कैबिनेट में जो भी गंदगी थी वो इस प्लास्टिक शीट पर आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक शीट को बिछाना। अब मैं इस प्लास्टिक शीट को रिप्लेस कर दूंगी और अगर आप चाहें इस प्लास्टिक शीट को यूज करना तो आप इसको धोकर दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ये रीयूजेबल है। तो मैं सबसे पहले इस प्लास्टिक शीट को हटा दूंगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइड में काफी ज्यादा गंदगी हो रही है तो मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर आप किचन टॉवल की हेल्प से पहले सूखी जो गंदगी है उसको पोंछ सकते हैं। तो मैं पहले अंदर से सूखी जो गंदगी है उसको पोंछ दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी गंदा हो चुका है हमारा जो टिश्यू पेपर है, बट मैंने सारी जितनी भी ड्राई गंदगी थी उसको निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने वाइप लिया है और कोलिन लिया है और कोलिन को मैं इस तरीके से वाइप के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ये मैंने काफी अच्छी तरीके से वाइप के ऊपर कोलिन को स्प्रेड कर दिया है और अब मैं इससे अपनी जो कैबिनेट है उसको अच्छी तरीके से साफ करूंगी। कैबिनेट के डोर्स को भी साफ करेंगे, कैबिनेट का डोर बंद करेंगे और इसको बाहर की तरफ से भी साफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से सिर्फ कोलिन की हेल्प से मैंने कैबिनेट को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ कर दिया। जैसा कि आप मटेरियल देख सकते हैं कि जो जितनी भी मेरी कैबिनेट है वो वुड से बनी हुई है और वुड में हम पानी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लकड़ी को फूलने का डर रहता है, इसलिए हम वुड में बेटर है कि अवॉइड करें कि पानी ना लगाएं। इसलिए मैंने कोलिन से अच्छी तरीके से पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसको साफ कर दिया है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी कैबिनेट को पीला पड़ने से बचाना है तो बेस्ट है आप उस पर प्लास्टिक शीट बिछाएं, जिससे कि जो आपकी कैबिनेट की जो आपकी रैक होगी वो बिल्कुल गंदी नहीं होगी और चिपचिपी नहीं होगी। तो ये मैंने कैबिनेट को बिल्कुल साफ कर दिया है और अब हम इसमें जाते हैं प्लास्टिक शीट। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास में प्लास्टिक शीट है, ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है किसी भी शॉप पर। और अब मैं इस प्लास्टिक शीट को इस तरीके से कैबिनेट में बिछा दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों रैक्स पे प्लास्टिक शीट बिछा दी है और अब हमने जो दोनों रैक से डब्बे जो निकाले थे उनको थोड़ा साफ करना शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने डब्बे निकाले थे एंड ये डब्बे जो है वो थोड़े से चिपचिपे हो रहे हैं, थोड़े गंदे हो रहे हैं। तो इनको बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है, अगर आपके डब्बे बहुत ही ज्यादा गंदे हो रहे हैं, बहुत चिपचिपे हो रहे हैं, ऑयली हो रहे हैं, तब आप इनको वॉश करें। अगर आप इनको डेली बेसिस पे निकाल कर एंड इनको थोड़ा थोड़ा साफ करते रहते किसी भी सूखे कपड़े से तो आपको ज्यादा वॉश करने की इनको जरूरत नहीं है। अगर हल्के चिपचिपे हो रहे हैं और हल्के गंदे हो रहे हैं तो आप सिंपल कोलिन लीजिए एंड एक वाइप लीजिए, कोलिन को इस तरीके से वाइप के ऊपर स्प्रेड कीजिए एंड फिर उसके बाद में आप इस तरीके से डब्बों को साफ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने कोलिन की हेल्प से बहुत इजीली सारे डब्बे क्लीन कर दिए और अब हम इन डब्बों को कैबिनेट्स में प्लेस करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से अपने हिसाब से डब्बों को आगे पीछे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारी कैबिनेट बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। जो जो चीजें मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है उनको मैंने आगे लगा दिया एंड जो जो चीजें मुझे कम चाहिए होती है उनको मैंने पीछे की तरफ लगा दिया एंड अब मेरी जो कैबिनेट है वो अच्छी तरीके से साफ हो चुकी है, अंदर से भी काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है, बहुत ही कम टाइम में क्लीन हुई है एंड ये आप डोर भी देख सकते हैं, वाइट है डोर एंड ये कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है अपनी कैबिनेट को अच्छी तरीके से क्लीन करने का एंड ये आपका बहुत कम टाइम लेगा। आप अपनी कैबिनेट को इस तरीके से वीकली भी साफ कर सकते हैं एंड एक तरीके से आपकी डीप क्लीनिंग भी हो गई एंड आपकी जो किचन की जो कैबिनेट्स है वो बहुत ज्यादा गंदी नहीं होगी। सो जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी किचन को एक ही दिन में साफ कीजिए,
दो दो तीन तीन करके आप कैबिनेट्स को इस तरीके से आसानी से साफ भी कर सकते हैं, अपनी चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं कि डब्बे जो है आपके वो भी क्लीन रहेंगे, आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कभी अपनी कोई भी चीज निकाले, सपोज ये मेरे को दाल चाहिए तो मैं उसको निकालूं, हल्का सा इसको हाथों हाथ क्लीन कर दूं, दाल लेने के बाद मैं इसको वापस रख दूं, तो इससे क्या होगा, एक तो मेरे डब्बे की जो ड्राई डस्टिंग हो जाती है, इसकी वजह से मेरे जो एफर्ट्स हैं वो भी बच जाते हैं एंड मेरी किचन जो है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है अपनी कैबिनेट्स को साफ करने का। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।